नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर TGT हो, PGT, एग्रीकल्चर TA, कैन सुपरवाइजर, AFO, IBPS, ICR, BHU, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू की जाए। आज की क्लास जो है, ये काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आप लोगों के बीच में लेके आए हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दोहरे उद्देश्य वाली गाय क्या है? बताना है कि दोहरे उद्देश्य वाली गाय इसमें से कौन सी है? गिर है, थारपारकर है, साहिवाल है या नागौरी है? तो यहाँ पर बात करेंगे, गिर जो है ये एक प्रकार की दूध देने वाली गाय है, यानी कि दुधारू गाय है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नागौरी, इसके बारे में आप लोग जानते हैं, एक प्रकार की भारवाहक नस्ल है। ठीक है, भारवाहक है, नस्ल है, और भारवाहक में सबसे बेस्ट नस्ल है भारवाहक के रूप में। ठीक है, साहिवाल के बारे में आप लोग जानते हैं, सबसे ज़्यादा दूध देती है। ठीक है, ये एक प्रकार की दुधारू नस्ल। लेकिन यहाँ पर थारपारकर जो देख रहे हैं, बी ऑप्शन, यह एक प्रकार की दुधारू भी नस्ल है, प्लस आपको यहाँ पर भारवाहक भी नस्ल है। ठीक है, तो यहाँ पर डबल उद्देश्य वाली, डबल पर्पज वाली पूछा था गाय की नस्ल, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दुधारू और भारवाहक दोनों प्रकार की नस्ल है थारपारकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो पर। क्वेश्चन नंबर दो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, भैंस की सूरती नस्ल का मूल स्थान बताना है, कहाँ है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि गुजरात जो है, ये भैंस की जो सूरती नस्ल है, इसका उत्पत्ति केंद्र माना गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं तीन पर। क्वेश्चन नंबर तीन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? इसमें से बताना है, विषाणु जनित रोग नहीं है, नहीं पूछा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़कर आंसर का जवाब देंगे। चेचक, अतिसार, रानीखेत या निमोनिया? तो यहाँ पर देखेंगे, चेचक एक प्रकार का वायरस जनित रोग होता है, अतिसार ये भी वायरस जनित रोग होता है, रानीखेत ये भी वायरस जनित रोग है, लेकिन यहाँ पर निमोनिया जो है ये वायरस जनित रोग नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं चार पर। क्वेश्चन नंबर चार दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, कृमि हर दवाइयों के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं करते हैं? यहाँ पर नहीं पूछा है, नहीं किया जाता है, परपराजीन का, लाल दवा का, या थायोबेंडाजोल का, या फेंडबेंडाजोल का? तो इन चारों में से बताइए, कौन सा कृमि नाशक दवाइयों के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे, फेंडाजोल और थायोबेंडाजोल, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है, और पाइपराजीन का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन लाल दवा का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं पाँच पर। क्वेश्चन कह रहा है, सवाई चाल व तेज दौड़ने वाला बैल है, ठीक है, सवाई चाल व तेज दौड़ने वाला बैल कौन सा है? गिर नस्ल के, काकरेज नस्ल का, साहिवाल का या जर्सी का? तो यहाँ पर सवाई चाल के नाम से जो बैल जाना जाता है, वो कांकरेज को जानते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मादा पशुओं में गर्भधारण का उत्तम समय बताना है, 0 से 6 घंटे में, 12 से 18 घंटे में, 22 से 24 घंटे में या 0 से 4 घंटे में? तो मादा पशुओं में गर्भधारण का सबसे बेस्ट टाइम बताना है कौन सा होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 12 से 18 घंटे के अंदर। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है, सर्वप्रथम नवजात बछड़ों को पिलाना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। सर्वप्रथम नवजात बछड़ों को पिलाना चाहिए, खीस पिलाना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए या ग्लूकोज पिलाना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन,
खेस पिलाना चाहिए, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कितना पिलाना चाहिए, उसके शरीर भाग का 1/10 भाग पिलाना चाहिए, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। खेस जो होता है एक हल्का दस्तावर भी होता है, ठीक है, ये हल्का दस्तावर भी होता है, ये भी आप याद रखेंगे। खेस के अंदर विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है, खनिज लवण की मात्रा पाई जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाले पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है गाय भेड़ बकरी में कृंतक दांत होते हैं, ऊपरी जबड़े में होते हैं या निचली जबड़े में होते हैं या ए और बी दोनों में होते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाय भेड़ बकरी में जो कृंतक दांत होते हैं वो हमेशा निचली जबड़े में होते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है गाय के दूध में वसा प्रतिशत होती है 1-3%, 4-5, 7-10 या 8-10। 8-10 और 7-10 ये दोनों हमारे नहीं होंगे, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 4-5% वसा पाई जाती है गाय के दूध में, ठीक है, ये याद रखेंगे। और विदेशी गायों की बात करें तो विदेशी गायों में सबसे ज़्यादा जर्सी जो गाय होती है उसके अंदर वसा की प्रतिशत पाई जाती है 5-5.5%, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है मेरिनो विदेशी नस्ल की भेड़ किस देश की है, ठीक है, आपको बताना है मेरिनो जो यहाँ पर भेड़ की नस्ल है ये किस देश की है, अमेरिका की है, स्पेन की है, न्यूजीलैंड की है या इंग्लैंड की है। तो मेरिनो जो भेड़ है इससे क्या प्राप्त होता है, बेस्ट क्वालिटी का ऊन प्राप्त होता है, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी का ऊन प्राप्त होता है, याद रखेंगे। एक पूछता है कभी कभी राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है, तो राजस्थान की जो मेरिनो है वो किसको कहते हैं, कौन सी नस्ल को कहा जाता है भेड़ की, तो चोकला जो नस्ल है भेड़ की ये इसको राजस्थान की मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, स्पेन की नस्ल है ये मेरिनो, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है ट्रोकार कैन्यूला किससे संबंधित है, जहरबाद से, गलघोटू से या जहनिस बीमारी से या आफ्रा से। तो ट्रोकार कैन्यूला जो है इस यंत्र का प्रयोग करते हैं आफ्रा डिजीज में, ठीक है, बी ऑप्शन डी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है आफ्रा एक रोग है, जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, फफूंद जनित है या आहार जनित है। काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आहार जनित होता है आफ्रा रोग, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कुकुट पॉक्स जनित रोग होता है, फफूंद जनित है, विषाणु जनित है, जीवाणु जनित है या प्रोटोजोआ जनित है। तो प्रोटोजोआ जनित होगा नहीं, जीवाणु जनित होगा नहीं और यहाँ पर फंगस यानी फफूंद जनित भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुकुट पॉक्स जो है एक प्रकार का वायरस डिजीज है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक नाम सुने होंगे रानीखेत, रानीखेत जो रोग है मुर्गियों का प्रमुख रोग माना जाता है, ये भी किससे होता है, वायरस जनित रोग है ये भी रानीखेत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी भैंस की सींग छोटे और जलेबी की तरह मुड़े हुए होते हैं। तो भैंस की नस्ल बताना है किसके सींग छोटे होते हैं और जलेबी की तरह घुमावदार मुड़े हुए होते हैं। सूरती के होते हैं, जाफराबादी, मुर्रा या नीली राबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मुर्रा के जलेबी की तरह छोटे सींग और घुमावदार होते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये भैंसों की सबसे बेस्ट नस्ल मानी जाती है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है पशुओं में आंतरिक परजीवियों को मारने के लिए कृमि नाशक दवा पिलानी चाहिए, वर्ष में एक बार, प्रत्येक माह में, वर्ष में दो बार या दो वर्ष में एक बार। काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वर्ष में दो बार पिलानी चाहिए, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है,
यहाँ पर सर्वोत्तम विधि पूछ रहा दूध दोहन की, पूर्ण हस्त विधि दोहन, अंगूठा विधि, चुटकी विधि या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण हस्त दोहन जो है ये दूध दोहने की सबसे अच्छी विधि मानी गई है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय मृदा में किस पोषक तत्व की उपलब्धता अधिक होती है। तो यहाँ पर अधिक पूछा है, ठीक है, ना कि कमी पूछा है। लोहा है, मोलिब्डेनम है, बोरान है, कैल्शियम है। तो यहाँ बात करेंगे अम्लीय मृदा में किस कौन सी फसल की हम खेती कर सकते हैं। याद रखेंगे अम्लीय अगर भूमि है तो उसमें हम धान की खेती कर सकते हैं, बहुत बार यह हम पूछा जाता है, और चाय की खेती कर सकते हैं। ठीक है, धान और चाय की खेती आसानी से हम कर सकते हैं अम्लीय मृदा में। अब ये पूछता है क्वेश्चन कब बनती क्यों है। ठीक है, या तो बनेगी अधिक वर्षा से, ठीक है, अधिक वर्षा होती है इसके कारण अम्लीय भूमि का निर्माण हो जाता है, या आर्द्र वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इसका निर्माण होता है अम्लीय भूमि का, या लीचिंग के कारण भी अम्लीय भूमि का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के कारण अम्लीय भूमि का निर्माण होता है। तो एक चीज़ और क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अधिकता, यहाँ पर पूछा है अधिकता, ठीक है, अधिक पाया जाता है। तो अधिक जो पाया जाता है वो कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। एक तो एफ ई पाया जाता है, ठीक है, एक क्या हो जाएगा एफ ई हो जाएगा, एक हो जाएगा एल्यूमिनियम हो जाएगा, इसके साथ जेड यानी याद रखेंगे, ठीक है, एक कॉपर, ठीक है, इन सब पोषक तत्वों की अधिकता पाई जाती है। तो यहाँ एफ ई देख रहे हैं, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कमी पूछता तो कमी किन किन पोषक तत्वों की पाई जाती है, तो याद रखेंगे पोटास हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, एम ओ, इन सब पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। और एक और याद रखेंगे एन ए सोडियम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीशियम का पौधों द्वारा अवशोषण किस रूप में होता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैग्नीशियम का पौधों द्वारा अवशोषण किस रूप में होता है, मैग्नस के रूप में या मैग्निक के रूप में या ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों रूपों में होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे यहाँ पर, जैसे कि यम जी धन आयन और यम जी ट्रिपल धन आयन, इस रूप में ये लेते हैं। एक चीज़ और देखेंगे, मैग्नीशियम का क्या कार्य होता है। मैग्नीशियम का कार्य होता है क्लोरोफिल का निर्माण करना। ठीक है, क्लोरोफिल का निर्माण करना। इसकी कमी, अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, इंटर वेनुअल क्लोरोसिस हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, इंटर वेनियल क्लोरोसिस हो जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके कमी के लक्षण कहाँ पर दिखाई देते हैं, तो लोवेस्ट पार्ट वाला जो होता है पत्तियों का लोअर पार्ट, ठीक है, उस पर इसके लक्षण सबसे पहले दिखाई देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था दोस्तों वो ए और बी दोनों राइट था। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एजोक्टोवेक्टर कल्चर में प्रति ग्राम सूखे वाहन में जीवाणुओं की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। ये 10^6 है, 10^7 है, 10^4 है और यहाँ पर 10^8 है। अब आपको बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 10^7। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ पर आर्द्र वाले क्षेत्र में तो 10^8 हो जाता। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है MPMH17 किसकी किस्म है। ठीक है, MPMH बताना है 17 किसकी किस्म है। एक 17 याद रखेंगे, एक पूछता है MPMH21। ठीक है, ये दोनों ही किस्में हो जाएंगी किसकी, बाजरा की। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो किस्में निकाली गई है राजस्थान के जोधपुर से निकाली गई है। ठीक है, दोनों याद रखेंगे, जोधपुर से निकाली गई किस्में। मूंग की एक काफ़ी फेमस वैरायटी है जो बार बार एग्जाम में पूछता है, GM4। ठीक है, GM4 मूंग की काफ़ी फेमस वैरायटी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है लवण सहिणु लेग्यूम है, ढैंचा है,
ठीक है, आपको बताना है ढेंचा है, रिजका है, मूंग है या चना है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, लवण के प्रति दलहनी जो फसलें होती हैं संवेदनशील होती हैं, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, लवण के प्रति दलहनी जो फसलें होती हैं संवेदनशील होती हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ढेंचा, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा ढेंचा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम भी कभी कभी एग्जामों में दे दिया जाता है, तो वैज्ञानिक नाम आप याद रखेंगे ससबेनिया, ससबेनिया, ससबेनिया रोस्ट्रेस, ठीक है, ससबेनिया रोस्ट्रेस। यह ढांचा जो होता है एक हरी खाद बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हरी खाद बनाने में ढांचा का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे हरी खाद के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, हरी खाद के रूप में। कभी कभी पूछ लेता है सीड रेट कितना रखा जाता है, तो 60 से लेकर 80 किलोग्राम तक इसमें सीड रेट रखते हैं ढांचा का प्रति हेक्टेयर, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कितना नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो 75 से लेकर 80 किलोग्राम तक पर हेक्टेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है पूसा उर्वशी बताना किसकी किस्म है, अंगूर की है, पपीता की है, आम की है या अमरूद की है। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट वैरायटी है दोस्तों पूसा उर्वशी, पूसा उर्वशी एक वैरायटी अंगूर की, ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक पूछता है ब्लैक चंपा, ठीक है, ब्लैक चंपा पूछता है किसकी वैरायटी है, तो ब्लैक चंपा भी अंगूर की ही वैरायटी है। तो इसके अंदर जो प्रवर्धन होता है, प्रवर्धन भी आप याद रखेंगे, प्रवर्धन जो होता है वो होता है हार्ड वुड कटिंग, ठीक है, हार्ड वुड कटिंग होता है अंगूर के अंदर। एक बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में ये भी आया है, चिप बडिंग किस में किया जाता है, ठीक है, चिप बडिंग का प्रयोग किस में किया जाता है, तो चिप बडिंग का प्रयोग अंगूर के अंदर किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। अंगूर का वैज्ञानिक नाम भी याद रखना है, वाइटिस विनिफेरा अंगूर का वैज्ञानिक नाम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में फलोत्पादन किस विधि से लगाए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में पूछ रहा है फलोद्यान किस विधि से लगाए जाते हैं, समोच्च रेखा विधि से, वर्गाकार विधि से, त्रिभुजाकार या षष्ठकोणीय विधि से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समोच्च रेखा विधि से लगाया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी विधि को हम कंटूर विधि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कंटूर विधि भी इसी विधि को कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, काफ़ी ईजी और आसान क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है आम का कुल बताना है, आम किस फैमिली से बिलोंग करता है, एनाकार्डियेसी, पामेसी, म्यूजेसी या रूटेसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनाकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग करता है मैंगो जो है। एक फल का और भी नाम याद रखें कि काजू, काजू का भी जो फैमिली है वो है एनाकार्डियेसी, ठीक है, आम और काजू दोनों की फैमिली एनाकार्डियेसी होती है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा नर मादा एवं उभयलिंगी तीनों प्रकार के पुष्प किसमें पाए जाते हैं, पपीता में, केला में, आम में, अंगूर में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पपीता, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कैरिका पपाया इसका वैज्ञानिक नाम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, अनाब ए शाही और अर्ली मस्कट किस्म बताना है किसकी है, अंगूर की है, फालसा की है या आम की है या केला की है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अंगूर की वैरायटी है अनाब ए शाही और अर्ली मस्कट, ठीक है। और इससे इन दोनों किस्मों से हम क्या बनाते हैं, एक तो मुनक्का बनाते हैं, एक किशमिश का निर्माण करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अंगूर लता और मारग्लोब किसकी किस्म है, ये आपको बताना है। अंगूर लता तो काफ़ी फेमस वैरायटी है और मारग्लोब बताना है ये सब दोनों किस्में किसकी हैं, टमाटर की है, अंगूर की है, प्याज की है, पपीता की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये टमाटर की वैरायटी है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो मारग्लोब देख रहे हैं एक प्रकार की विदेशी अंगू, इसमें टमाटर की विदेशी किस्म है, ठीक है, और विदेशी किस्म रोमा भी याद रखेंगे, रोमा भी एक विदेशी किस्म है, वो भी किसकी, टमाटर की। बेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, बेस्ट ऑफ ऑल ये भी किसकी किस्म है, टमाटर की किस्म है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, नई दिल्ली, करनाल, वाराणसी या बेंगलुरु, इन चारों में से बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना लेकर आते रहते हैं आप लोगों के बीच में। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट है, ये हो जाएगा यहाँ पर वाराणसी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बेंगलोर की बात करें तो IIHR, ठीक है, IIHR ये कहाँ है, बेंगलोर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। वाराणसी में एक और अनुसंधान केंद्र है, वो भी आपको याद रखना है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, क्या नाम है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये भी वाराणसी में हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, पूर्ण नर वानस्पतिक नर मादा एवं एक ही पुष्प में नर एवं मादा स्थित पाई जाती है, तो किसमें ऐसी स्थिति पाई जाती है, ठीक है, जिसमें पूर्ण नर हो या वानस्पतिक नर हो या मादा हो या एक ही पुष्प में नर हो या एक ही पुष्प में मादा हो, ऐसी स्थिति किसमें पाई जाती है, बिलायती पालक में, तरबूज में, गोभी में, बैगन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिलायती पालक में, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, फल परिरक्षण में सिरका का कितना प्रतिशत भाग प्रयोग में लिया जाता है, 2%, 4%, 1% या 1 से कम। तो सिरका के अंदर बात करेंगे क्या पाया जाता है, सिरका के अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे एसिटिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है, वो पाया जाता है सिरका के अंदर। ठीक है, अब एसिटिक एसिड की मात्रा कितनी परसेंट पाई जाती है, तो 4 से लेकर 6% तक पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा कितना प्रतिशत भाग प्रयोग में लिया जाता है, प्रयोग में कितना लेना है, तो 2% ही प्रयोग में लिया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जेली मीटर बनाने में या सॉरी दोस्तों जेली बनाने में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है जेली बनाने के लिए। आप लोगों को बता दें कि जेली बनाने के लिए उन्हीं फलों का प्रयोग किया जाता है जिसके अंदर पैक्टिन की मात्रा हो। ठीक है, जिसके अंदर पैक्टिन की मात्रा हो, और पैक्टिन का मापन किससे किया जाता है, तो पैक्टिन का मापन जेल मीटर से किया जाता है। ठीक है, जेल मीटर के द्वारा पैक्टिन का मापन किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, साइट्रिक एसिड। ठीक है, साइट्रिक एसिड को कब मिलाना है, जब उसका टेम्परेचर 103 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो उस समय इसको मिलाया जाता है। ठीक है, 103 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मिलाया जाता है, किसको, साइट्रिक अम्ल को, जेली बनाने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है, बीकानेरी ग्रीन किसकी किस्म है, टिंडा की है, ब्रोकली की है, पालक की है, करेला की है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, टिंडे की वैरायटी है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक याद रखना है बीकानेरी ग्रीन, दूसरी एक वैरायटी आपको याद रखना है दिल पसंद। ठीक है, ये भी काफ़ी फेमस वैरायटी है जो कि बहुत बार एग्जामों में आ चुका है, दिल पसंद। ठीक है, ये भी टिंडे की ही वैरायटी है। यहाँ पर बात कर लेते हैं एक पालक की, पालक की काफ़ी फेमस वैरायटी है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जोबनेर ग्रीन। ठीक है, जोबनेर ग्रीन ये वैरायटी है किसकी, पालक की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, शीतकालीन एक वर्षीय पुष्प है, शीतकालीन एक वर्षीय पुष्प बताना, इसमें से कौन सा है, डेंजी है या अमरेंथस है, कोचिया है या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर शीतकालीन एक वर्षीय पुष्प हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि डेंजी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, औषधीय पादप गिलोय का वैज्ञानिक नाम बताना है। ठीक है, गिलोय एक प्रकार का औषधीय पादप होता है, इसका बॉटनिकल नेम बताना है, क्या हो जाएगा, टीनोस्पोरा कार्डियोफोलिया या केसिया अगस्टिफोलिया या क्लोरोफाइटम बोवेरिलियनम या प्लेटोगो ओवेटा। तो प्लेटोगो ओवेटा जो है ये वैज्ञानिक नाम हो जाएगा किसका, इसब गोल का। ठीक है, इसब गोल का क्या प्रयोग किया जाता है, इसब गोल का प्रयोग भूसी और बीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बीज और भूसी का प्रयोग किया जाता है, भूसी का प्रयोग हम करते हैं 25 से लेकर 30% और बीज का प्रयोग करते हैं 70 से लेकर 75%। ठीक है, यहाँ पर क्लोरोफाइटम बोवेरिलियनम ये होता है सफ़ेद मूसली का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, सफ़ेद मूसली का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, क्लोरोफाइटम बोवेरिलियनम, इसका प्रयोग करते हैं जड़ का प्रयोग। ठीक है, जड़ का प्रयोग किया जाता है सफ़ेद मूसली का,
इसको हम द्वितीयक शिलाजीत के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे केसिया अंगस्टिफोलिया, ये क्या चीज़ है, ये सनाय का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। सनाय जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है केसिया अंगस्टिफोलिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, ये होता है गिलोय का वैज्ञानिक नाम, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है अमरूद किसका स्रोत माना जाता है, ठीक है, किसका अच्छा स्रोत माना जाता है, विटामिन सी का, विटामिन बी का, विटामिन ए का, विटामिन ई का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है, ठीक है, अमरूद जो होता है। और यहाँ पर बात करेंगे अमरूद का जो फैमिली है किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो मिर्टेसी फैमिली से अमरूद जो है बिलोंग करता है, मिर्टेसी फैमिली से, ठीक है। और इसका उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति स्थान अमरूद का मैक्सिको होता है, ठीक है, मैक्सिको इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। और अमरूद से हम क्या बना सकते हैं, अमरूद से हम जेली बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पेक्टिन की मात्रा पाई जाती है। और उत्पादन की बात करें तो उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है ट्रिस्टेजा वायरस रोग किसमें होता है, ये हम लोग पीछे देख चुके हैं नींबू के अंदर होता है, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है पूसा जॉइंट पूसा मेजेस्टी किसकी किस्म है, ये आपको बताना है, पपीता की है, अमरूद की है, अंगूर की है, आम की है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि पपीता की किस्म है पूसा जॉइंट और पूसा मेजेस्टी। अमरूद की किस्में कुछ जो एग्जाम में पूछा जाता है पूसा किरण, ठीक है, पूसा किरण अमरूद की किस्म है, बहुत बार एग्जाम में पूछा, एक पूछता है पूसा रश्मि, ठीक है, एक पूछता है पूसा रश्मि, ये किसकी किस्म है, ये भी अमरूद की है। एक पूछता है पूसा मृदुला, ठीक है, मृदुला, ये भी किसकी किस्म है, पूसा मृदुला, ये भी हो जाएगी अमरूद की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। वो सॉरी दोस्तों, उसमें अर्का रहेगा, ठीक है, ये याद रखेंगे, अर्का किरण, अर्का किरण जो है ये अमरूद की किस्म हो जाएगी, ठीक है, अमरूद की किस्म, अमरूद की। एक बताए थे अर्का अर्का रश्मि, ठीक है, अर्का रश्मि, ये भी अमरूद की किस्म हो जाएगी। एक बताए थे अर्का मृदुला, ठीक है, अर्का मृदुला, मृदुला, ये भी अमरूद की किस्म हो जाएगी। ये तीनों आप याद रखना है, अर्का किरण, अर्का रश्मि, अर्का मृदुला, ये अमरूद की फेमस वेराइटी हैं, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है नींबू में कैंकर रोग का कारण क्या है, ठीक है, नींबू में जो कैंकर डिजीज होता है उसका कारण क्या है, जीवाणु है, विषाणु है, कवक है या माइकोप्लाज्मा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये होता है जीवाणुओं द्वारा बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम सिट्रस कैंकर के नाम से भी जानते हैं। उस जीवाणु का भी नाम आपको याद रखना है जैंथोमोनास सिट्राई, ठीक है, जैंथोमोनास मोनास सिट्राई के द्वारा ये रोग लगता है, सिट्राई के द्वारा रोग लगता है सिट्रस कैंकर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है खजूर का कुल बताना है, खजूर किस फैमिली से बिलोंग करता है, पामेसी है, रेमनेसी है, म्यूजेसी है या एनाकार्डियसी है। तो एनाकार्डियसी जानते हैं आम की फैमिली है, म्यूजेसी जानते हैं केला की फैमिली है, उसके बाद रेमनेसी ये बैर की फैमिली हो जाएगी, ठीक है, बैर की फैमिली हो जाएगा, पामेसी एक यहाँ पर खजूर की फैमिली हो जाएगी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। खजूर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा, ठीक है, फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा खजूर का वैज्ञानिक नाम होता है। इसको पामी पामी फैमिली भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर पामी फैमिली भी लिखा रहते हैं, कहीं कहीं पर पामेसी भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पर एरिकेसी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था, वीडियो लंबी बनने के कारण कल इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं कल बताएंगे, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।